छत्तीसगढ़ में एक कांग्रेस नेता पर नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का आरोप लगा है। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के नगर अध्यक्ष शाहनवाज समेत चार आरोपियों को गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। घटना महेंद्रगढ़ के चिरमिरी कस्बे की है। इस कस्बे की नाबालिग लड़की को चार महीने पहले कांग्रेस नेता शाहनवाज सहित छह लोगों ने बिलासपुर के एक होटल में लेकर गए। वहां सबने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उस दौरान नाबालिग ने डर से मामला दर्ज नहीं कराया था। पीड़िता का आरोप है कि यूथ कांग्रेस के नगर अध्यक्ष शाहनवाज समेत तीन लोगों ने उसे बिलासपुर के एक होटल में ले जाकर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने इस मामले में धारा 363, 366 ए, 376 डी और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। दो अपराधी अभी भी फरार है, उनकी तलाश की जा रही है। नाबालिग पीड़िता दो दिन पहले जिले के चिरमिरी थाने पहुंची थी। उसने शिकायत दर्ज कराई है कि सात महीने पहले प्रीति पांडे नाम की एक महिला उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गई थी। पहले जिले की नागपुर इलाके में स्थित होटल मंगलम में उसके साथ दो लड़कों ने रेप किया था। फिर दूसरे दिन महिला पीड़ित लड़की को बिलासपुर ले गई, जहां उसके साथ तीन युवकों द्वारा बलात्कार किया गया। पीड़िता की शिकायत पे पुलिस ने चार आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अन्य की तलाश जारी है। पीड़िता की मां ने बताया कि मैं कुछ महीने पहले अपनी बेटी के साथ अपने चाचा के यहाँ गई थी। उसी समय बेटी की जान पहचान उस महिला प्रीति पांडे से हो गई। अभी हाल ही में प्रीति फिर मेरे घर आई और बेटी को साथ ले जाने लगी। इस दौरान मेरी बेटी का उससे झगड़ा हो गया। बेटी उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। इसके बाद जब मैंने बेटी से पूछा तो उसने पूरा मामला बताया। करीब सात महीने पहले प्रीति उसे घुमाने और अच्छे कपड़े दिलवाने का लालच देकर साथ ले गई थी और फिर कुछ लड़कों ने उसके साथ रेप किया। ये सब जानने के बाद मैंने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट के मुताबिक शाहनवाज पिछले 7-8 साल से यूथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। इससे पहले उसके खिलाफ चोरी की एक FIR दर्ज कराई जा चुकी है। बता दें कि इसी साल 25 मार्च को राजनंद गांव के चिखली थाने के अंतर्गत एक शादीशुदा महिला ने शहर कांग्रेस कमेटी के सचिव विकास गजभिये के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। महिला विकास की पड़ोसी है। शिकायत में महिला ने कांग्रेस नेता पर उसके पति की हत्या की धमकी देने का भी आरोप लगाया था। इसके बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।